जल नीति करेंगे। जल नीति के लिए ये लोटा ले लीजिए, इसमें पानी भर लेंगे और इस पानी भर करके फिर एक नाक के अंदर लगा करके, और फिर क्या होता है जब एक नाक में लगा लेते हैं ना, और ऐसे फिर थोड़ा टेढ़ा हो जाते हैं, मुंह खुला रखते हैं, नाक से श्वास नहीं लेंगे, मुख से श्वास लेते हैं और नाक के ऐसे लगा देते हैं और थोड़ा ऐसे सिर टेढ़ा कर देते हैं, गर्दन टेढ़ी कर देते हैं ऐसे, तो दूसरी तरफ से अपने आप पानी निकलने लग जाता है। तो ऐसे इसको बैठ के भी किया जा सकता है और खड़े होकर के भी, तो खड़े होकर के बताएंगे जिससे कि सब देख पाएँ ठीक से। तो दाएं नाक के अंदर लगाएंगे, गर्दन को टेढ़ा कर लेंगे और मुंह से श्वास लेना शुरू करेंगे, मुंह खोल के रखते हैं, आराम से करो बेटा। हाँ ऐसे, तो आराम से इसको करते हैं, एक तरफ नाक के अंदर लगा देते हैं पूरा, उसके अंदर ये आ जाता है जो लोटा का जो अगला हिस्सा है, तो पूरा नाक बंद हो जाता है एक तरह से, और दूसरी तरफ से अपना आप शुरू हो जाता है। ऐसे प्रारंभ में 50-100 ग्राम ही निकलेगा, छोड़ दीजिए, फिर दूसरी तरफ से करते हैं, फिर इसको थोड़ा नाक को बाहर से, फिर दूसरी तरफ से नाक से करते हैं, आराम से नाक से लगाना और दूसरी तरफ से फिर शुरू हो जाता है। पहले पहल थोड़ा सा किसी किसी को नाक से जैसे ही पानी लगता है तो थोड़ी छींक आती है, तो आने तो छींक ही तो आ रही है ना, साफ ही तो हो रहा है ना। तो ये एक तरफ ऐसे नाक में ये लोटा लगा देते तो दूसरी तरफ से अपने आप पानी निकलना शुरू हो जाता है, कोई कठिन क्रिया नहीं है। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, बहुत अधिक कफ है, एलर्जी है, और नेत्र ज्योति के लिए भी अच्छी है, अनुलोम विलोम से और जल नीति करने से जिनकी आँखें कमज़ोर होती हैं उनकी नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, इससे माइग्रेन पेन भी दूर होता है, मन भी शांत होता है, इससे मस्तिष्क में शीतलता भी आती है। तो ये जल नीति छोड़ दीजिए ऐसे, फिर इसमें थोड़ी देर बाद में कपालभाति करना होगा। तो इसमें किसी किसी को मल निकलेगा, कफ निकलेगा, निकलने दो। तो इसको जल नीति को करने के बाद थोड़ा कपालभाति करते हैं, इससे जो पानी थोड़ा बहुत यहाँ जम जाता है, थोड़ा ऐसे ऐसे हाथ से भी, थोड़ा ऐसे आगे से और ऐसे बाई तरफ से, तो उससे थोड़ा जो मल अंदर पानी अंदर जमा होता है ना, तो मुंह से श्वास लेना तो पानी ऊपर नहीं चढ़ता, नहीं तो पानी ऊपर चढ़ने से फिर सिर दर्द हो जाता है, वो नहीं होगा। तो तरीका बता दिया है, जल नीति करते समय श्वास किससे लेना, मुंह से, और जल नीति के बाद कपालभाति भी करना है तो श्वास किससे लेना, मुंह से लेना, नाक से छोड़ना ऐसे, तो पूरा पानी साफ हो गया।